हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे रोस्टेड चना, जो बच्चों से लगा के बड़ों तक की पसंद होती है। और हम हमेशा मार्केट में जाते हैं और बारिश के टाइम पे लाते हैं, तो वो थोड़े सीले सीले लगते हैं। तो आप इसको तुरंत तैयार कर सकते हैं, गर्मा गर्म इसका आनंद उठा सकते हैं। और ये बहुत आसानी से और सिर्फ नमक और इससे दो चीज़ों से बन जाएंगे। तो आइए हम बनाते हैं रोस्टेड चना। तो इसको बनाने के लिए हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने काले चने लिए हैं जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, और ये मैंने एक कटोरी नमक लिया है। ये अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, इसको फर्स्ट बार करूँगी, लेकिन आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसको जब अपना काम होने के बाद में इसको संभाल के, ठंडा होने के बाद इसको संभाल के रख सकते हैं। तो ये आपको वापस कोई भी चीज़ रोस्ट करेंगे तो ये काम करेगा। तो अभी मैंने कढ़ाई रख दी है, और ये कढ़ाई थोड़ी देर गर्म होने के बाद में फिर मैं इसमें नमक डालूंगी। और ये नमक 5 मिनट तक हम इस नमक को गर्म होने देंगे। अब ये नमक अच्छे से गर्म हो गया है, इसको 5 मिनट तक हमने इसको कढ़ाई के अंदर रखा रहने दिया और लगातार हिलाते रहे। अब और इसकी आंच एकदम तेज रखनी है। अब हम इसके अंदर ये जो चने थे वो एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं डालना है हमको, और बस ये एक मुट्ठी चने डालना है इसके अंदर, और लगातार हिलाते रहना और आंच को एकदम हाई रखना है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। लगातार हिलाते रहें और आंच को एकदम तेज ही रखना है इसको। ये आप देख रहे होंगे इसको, ये फूटना चालू हो गए। ये अब अच्छे से बन गए, और अब हम गैस को कम करके और इसको निकाल लेंगे। ये देखिए आप, ऐसे ही हम सारी निकाल लेंगे। गैस को कम कर देंगे, फिर से हम आंच तेज करेंगे, और फिर हम इसके अंदर फिर से एक मुट्ठी चना डालेंगे, और फिर लगातार हिलाते हुए इसको, ये एक मिनट भी नहीं लगता है और जल्दी से बन जाते हैं, और हमको फटाफट निकाल लेना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। ऐसे ही हम सारे चने बना लेंगे। ऐसे आवाज करने लग जाते हैं, अपने आप फूटने लग जाते हैं। बस इस समय हमको गैस को कम कर देना है और इनको निकाल लेना है। ये देखिए आप, आप कोई भी बड़ा झारा ले लें, इससे एकदम एक साथ निकल जाते हैं। पर डालना हमको बस एक एक मुट्ठी है, ज़्यादा एक साथ नहीं डालना, नहीं तो कच्चे रह जाते हैं। फिर से हम गैस तेज करेंगे और फिर ये बचे हुए सारे डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन रहे हैं ये चने। ये अच्छे से बन गए, अब हम गैस बंद कर देंगे और फिर इनको निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे रोस्टेड चना। ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन गए, ये सब आपने देखा। अब आप भी अपने घर में इसे ज़रूर से बनाएं, और ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे हैं। ये देखिए आप, आराम से छिलके निकल रहे हैं इसके, और बहुत ही अच्छे
बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर से बनाएं, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।